हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इस संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज कुछ न कुछ प्राप्त करने के पीछे वो भाग रहा है, भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा है। कोई IAS बनना चाह रहा है, कोई IPS बनना चाह रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, कोई बहुत धन संपत्ति अर्जित करना चाह रहा है। लेकिन अगर जब हमें ये पता चल जाए कि इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, तब हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक महान भक्त थे शिव जी के, काशी में रहते थे, जिनका नाम था जीवन ठाकुर। तो जीवन ठाकुर भगवान शिव जी के इतने प्रिय भक्त थे कि शिव जी साक्षात उनसे बातें करते थे, उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे। तो एक दिन शिव जी बड़े प्रसन्न हुए जीवन ठाकुर पे। तो शिव जी ने कहा उनसे कि आप मुझसे वर मांगिए। तो जीवन ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु मुझे दे दीजिए। तो शिव जी थोड़ा सोचे और फिर बोले कि अच्छा, आपको दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज चाहिए। बोले यस। तो आप गोवर्धन में चले जाइए, मानसी गंगा के तट पे एक संत हैं सनातन गोस्वामी, वो वहां पे भजन करते हैं। आप उनके पास जाके बोलिएगा कि आपको मैंने भेजा है, और आप उनसे दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगिएगा। तो जीवन ठाकुर बड़े खुशी खुशी काशी से गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन पहुंच करके मानसी गंगा के तट पे गए। वहां पे उनकी मुलाकात श्री सनातन गोस्वामी से होती है। सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के तट पे बैठ करके भजन करते थे। तो जीवन ठाकुर गए और उनको प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करने के बाद बोले कि मुझे महादेव ने भेजा है, और आपके पास दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, वो प्लीज मुझे दे दीजिए। सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि आपको महादेव ने भेजा है, बैठिए। सनातन गोस्वामी ने उनका स्वागत किया और बोला कि देखिए, दुनिया की जो सबसे कीमती वस्तु है आपको चाहिए, एक्चुअली आप द्वार पे जाइए और वहाँ पे कूड़ेदान है, उस कूड़ेदान में से देखिएगा तो दुनिया की सबसे कीमती वस्तु आपको उसमें मिल जाएगी। तो गए ये जीवन ठाकुर द्वार पे और कूड़ेदान खंगालना शुरू किया। तो कूड़ेदान से उनको पारस पत्थर मिल गया। अब जीवन ठाकुर इतने प्रसन्न हुए कि अरे मिल गया, अरे पारस पत्थर मिल गया। पारस पत्थर जानते हैं ना, पारस पत्थर ऐसा अलौकिक पत्थर है जिससे कोई भी धातु टच करेंगे, लोहा हो या कोई धातु टच करेंगे, वो सोना में परिवर्तित हो जाएगा। तो जीवन ठाकुर सोचने लगे, वाह, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, और मैं अकेले नहीं बनूंगा, क्योंकि वो भक्त थे शिव जी के, इसलिए उनमें परोपकार की भावना थी। बोले मैं अकेले नहीं बनूंगा, पूरी दुनिया को अमीर बना दूंगा, जहां धातु कोई देखेगा टच करके सोना बना दूंगा, तो गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हो गए। उनके मन में एक बड़ा ही उत्तम विचार आया कि चूंकि ये महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, महादेव ने ही हमें सनातन गोस्वामी के पास भेजा, इसलिए हमें महादेव को आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए। आजकल तो मतलब आभार व्यक्त करना ही हम सब भूल गए हैं ना। कोई कुछ भी कर दे, माता पिता इतना हमारे लिए करते हैं, और हम अंत में उनको कह देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, वो तो सब लोग करते हैं। तो हमारे अंदर जो कृतज्ञता है ना, वो खत्म होती जा रही है। लेकिन जीवन ठाकुर ने वहाँ पे बैठ करके और शिव जी का ध्यान किए, और शिव जी का ध्यान करते हुए उनको थैंक यू बोलने लगे, धन्यवाद करने लगे। तब तक देखते हैं शिव जी अचानक वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए तो ये उनके खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। अरे महादेव, आपकी कृपा से मुझे दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मिल गई, मुझे पारस पत्थर मिल गया। महादेव बोले, मूर्ख हो तुम ये बताओ कि ये पारस पत्थर रखा कहाँ था। जीवन ठाकुर बोले, हाँ ये तो बाहर कूड़ेदान में रखा हुआ था। शिव जी बोले, कूड़ेदान में कोई सबसे कीमती वस्तु रखता है? सबसे कीमती वस्तु कोई अपने घर में छुपा के ना रखता है, या अपने पास ना रखता है, उसको कूड़ेदान में फेंकेगा? बोले, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महादेव बोले, फिर जाओ और जा करके बोलो कि नहीं चाहिए, आपके पास जो सबसे कीमती वस्तु है प्लीज वो दे दीजिए, महादेव ने हमको भेजा है। तो फिर से वो जीवन ठाकुर सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं, बाबा अरे ये नहीं चाहिए, जो सबसे कीमती वस्तु है वो दीजिए। सनातन गोस्वामी बोले, अच्छा तो आपको दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। बोले, हाँ इसलिए तो मैं आया हूँ काशी से यहाँ पे। बोले, ठीक है तो फिर जाइए और मानसी गंगा में, बगल में ही मानसी गंगा थी, आप जाइए और ये जो पारस पत्थर लिए है ना, घुमा के फेंकिए उसको, एकदम बीच में चल जाना चाहिए। अब इनका दिल धड़कने लगा, पारस पत्थर को फेंकना पड़ रहा है, पारस पत्थर को फेंकना पड़ रहा है।
बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आज्ञा तो पालन करना था आज्ञा का, तो वो गए और घुमा करके पारस पत्थर को मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर स्नान वगैरह कर करके आए और सनातन गोस्वामी के सामने बैठ गए, प्लीज दीजिए मुझे दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु। और उनका दिल भी धड़क रहा है, पारस पत्थर तो गया। तो सनातन गोस्वामी जानते हैं क्या किए, सनातन गोस्वामी अपने झोली में हाथ डाले माला में, जप माला में, और ये जप माला निकाल करके और जीवन ठाकुर के हाथ में रखते हुए बोले, इससे बहुमूल्य वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है, जाइए और इस पे भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम से बढ़ करके इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु उससे ज्यादा कीमती नहीं है। अब अचानक से जीवन ठाकुर का तो एकदम दिल ही बैठ गया, अरे का किए बाबा, ये पारस पत्थर को फेंकवा करके माला थमा दिए, हाँ भगवान के नाम का जप करने के लिए कह रहे हैं, ये दुनिया का सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन अब कुछ बोले नहीं, वो भारी मन से वहां से चल दिए और फिर आकर के बाहर में शिव जी का ध्यान करने लगे कि क्या महादेव, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया महादेव बताइए, पारस पत्थर भी गया, बाबा ने माला थमा दिया। शिव जी वहां प्रकट हुए और बोले कि जीवन ठाकुर, यही है दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु, भगवान का नाम। अरे मैं भी तो यही करता हूं, मैं क्या करता हूं, शिव जी, कई लोगों को लगता है कि शिव जी बैठ के बम मारते होंगे, गंजा पीते होंगे, भांग पीते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी दो ही कार्य करते हैं, या तो भागवत कथा करते हैं या फिर भगवान के नाम का जप करते हैं। तो इसलिए जो भगवान का नाम का जप है ना, हरिनाम है, ये दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इस कलयुग में सारे अभद्रों का नाश करने का एकमात्र उपाय है हरिनाम का जप, हरिनाम का जप, हरिनाम का जप, और केवल हरिनाम का जप। यानी कि भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है कलयुग में। देखिए कलयुग क्या है ना, एक्चुअली में दोषों का खान है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग कैसा होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज के समय से ही कलयुग शुरू हुआ वास्तव में। तो परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे इस कथा को, हालांकि वो पूरा भागवत बड़े ध्यान से सुने थे। तो जब ये कलयुग का वर्णन सुने तो परीक्षित महाराज काफी घबरा गए, क्योंकि कलयुग का जो वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी ना, भयंकर है। कलयुग में क्या स्थिति होने वाली है, भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा आने वाले समय में। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, ये मूवी पूरी बाकी है, अभी तो जस्ट 5000 साल बीता कलयुग का। अभी तो मान लीजिए कि द्वापर युग अंत हुआ है, उसकी संध्या संध्या बेला चल रही है, कलयुग का अभी तो रात्रि आया ही नहीं, महा जो कलयुग झोर जो कलयुग है वो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग फेज है इसका। और जस्ट भगवान भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अभी जस्ट 5000 साल पहले इस धरती पे विराजमान थे, लगभग 500 साल पहले वही भगवान श्री कृष्ण भक्त अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विराजमान थे। कुछ साल पहले श्रील प्रभुपाद जी इस धरती पे आए, अभी भजन कीर्तन चल रहा है, इसलिए कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम दिख रहा है, या जो दिख रहा है वो बस ट्रेलर है, मूवी बाकी है। भागवत में बताया गया है कि कलयुग जैसे घोर कलयुग आएगा ना, इंसान इंसान को मार के खा जाएगा, त्राही माम मचेगा, है ना। अभी जो ये महंगाई देख रहे हैं ना, टमाटर 150 रुपया किलो, उस समय वेजिटेबल मिलेगा ही नहीं, एक दूसरे का मांस लोग खा जाएंगे। आयु हमारी बहुत कम हो जाएगी, 20-30 बरस की आयु हो जाएगी, हाइट हमारी बहुत कम हो जाएगी, 3-3 फुट के दिखेंगे, है ना। और जितने मतलब सारे पाप है ना, वो सब कलयुग में होगा, त्राही माम, ऐसा सिचुएशन आएगा कलयुग में, घोर जब कलयुग आएगा। तो ये सुन करके परीक्षित महाराज काफी घबरा गए और बोले कि हे सुखदेव गोस्वामी, कुछ उपाय है इससे बचने का, कुछ तो उपाय होगा इससे बचने का। सुखदेव गोस्वामी बोले हाँ, एक उपाय है। देखिए कलयुग क्या है, कलोर दोष निधि राजन, ये श्रीमद भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51 श्लोक में वर्णन आता है, कलोर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण है। राजा परीक्षित, कलयुग दोषों का निधि है, खजाना है। कितने दोष गिनाए आपको,
ये दोषों का खजाना है, समुद्र है कलयुग दोषों का। लेकिन अस्ति ही एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है। कलयुग दोषों का खजाना होते हुए भी एक महान गुण है इसके अंदर, और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम ब्रजेत। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के परम धाम भगवत धाम को जा सकता है, सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन आदि कर सकता है। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा उम्मीद की किरण जगी। अच्छा, बोले हाँ। अगले श्लोक में कहते हैं, कृते धयायतो विष्णुम त्रेतयाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्चयाम कलो तद हरि कीर्तना। परिचित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में भगवान का ध्यान करने का प्रोसेस था, यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए ध्यान करना होता था। हजारों हजार वर्षों तक ध्यान करना होता था, उनकी आयु 1-1 लाख वर्ष तक होती थी, इसलिए हजारों हजार वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था भगवत प्राप्ति के लिए, इस भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए। त्रेता युग में यज्ञ करना होता था, यज्ञ का विधान है स्वाहा स्वाहा, ऐसे यज्ञ करने का। द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करने का विधान है। लेकिन कलयुग में ये सारे फल जो सतयुग में तपस्या करने से मिलते थे, द्वापर त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होते थे, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करने से मिलता था जो फल, वही फल कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। तो कलयुग का एक महान गुण है ये। इसलिए जो भगवान का नाम है ना, ये सबसे बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हम प्राप्त कर लें, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस भौतिक संसार में बांधने वाली है, या सिर्फ वो शरीर जब तक है तभी तक रहेगा। जैसे मान लीजिए हम IAS ऑफिसर बन गए, हम ये नहीं करें कि IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर या नहीं बनना चाहिए, या धन संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ समय निकाल करके भगवत भक्ति भी कर लेनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता भागवत पढ़ लेनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र दिया गया है कलयुग में जपने के लिए शास्त्रों में। तो मैं बता रहा था कि इस संसार में हम कुछ भी अर्जित कर लें, जैसे IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लें, मिलेनियर बिलेनियर बन जाए, लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटा सब कुछ छूट जाता है। सब कुछ, नंगे आए थे और एक कफन में लिपट करके जाना है, और कुछ भी नहीं जाने वाला हमारे साथ, और दोबारा इसी भौतिक संसार में 84 लाख जोनियों में जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख जीव जोनियों में फंसना पड़ेगा, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ेगा, बार बार कोख से जन्म लेना पड़ेगा, माता के कोख से, कभी सुअर बनना पड़ेगा, कभी बिल्ली बनना पड़ेगा, कभी कुत्ते के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख जोनियों में भ्रमते रहेंगे जब तक हम इस भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। और मुक्त होने का कलयुग में सबसे आसान तरीका है, कलयुग एक तरह से वरदान है, ऐसा लगता है कि ये दोस्तों का खजाना है, अभिशाप है, लेकिन अगर देखा जाए तो कलयुग वरदान है, क्योंकि इस भौतिक बंधन को तोड़ने के लिए कलयुग में कुछ नहीं करना है, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र का बड़ा सिंपल अर्थ है, इस जो ये मंत्र जपते हैं हम भक्तगण, इसका बड़ा सिंपल अर्थ है क्या। हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्द है, हरे कृष्ण और राम। हरे का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, राम का मतलब है परम आनंददायक। तो हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ हुआ, भक्त प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान की अंतरंगा शक्ति से, हे राधा रानी प्लीज हमें इस भौतिक बंधन से निकाल करके भगवान के चरणों में लगा दीजिए, जो कि कैसे हैं, सर्व आकर्षक हैं, परम आनंददायक है। इस महामंत्र का ये सिंपल अर्थ है। कई लोग कहते हैं कि नहीं देखिए जी, पहले राम जी आए थे ना, त्रेता युग में राम जी आए थे, इसके बाद द्वापर युग में किशन जी आए थे, इसलिए पहले क्या होना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे होना चाहिए। हालांकि ऐसे भी जपने से कोई दिक्कत नहीं है, रसगुल्ला को इधर से खाएं या इधर से खाएं सेम मिठास रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलिस्तंत्रण उपनिषद में या जो शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में दिया गया है उसमें सिंपल ऐसे दिया गया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कंक्लूजन में, भगवत गीता कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। और वही भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति कैसे करनी है ये सिखाने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सिखाते हैं कि कलयुग में भक्ति का सबसे सुगम तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र किसी ऐसे कोई व्यक्ति से निकाला गया नहीं है या किसी के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम सबको दिए। तो ये कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है, इसको महामंत्र कहते हैं, सभी मंत्रों का राजा है। तो दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है? भगवान के नाम का जप। इसलिए भाग दौड़ की जिंदगी में से कुछ समय निकाल करके हमें प्रभु के नाम का जप जरूर कराऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर भगवान के नाम का आप सीरियसली जप करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। भगवान का ये जो माला होता है ना जप माला, 108 मन के होते हैं, 108 मन के, ये तुलसी माला है और बीच में ये ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है और ये जो 108 है ये 108 गोपियां हैं, उपनिषद भी 108 है, तो 108 जो नंबर है ना ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो सिंपल इस पे ऐसे लेकर के जप कर सकते हैं ऐसे। हरे जप करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके 108 बार जब जप करेंगे तो एक माला हो जाएगा और एक माला करने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे। तो जिंदगी में 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट निकाल करके आधे घंटे एक घंटे ऐसा 16 माला करने के लिए बताया जाता है, 16 माला करने में लगभग 2 घंटे लगता है। तो 24 घंटे में हमें कुछ समय निकाल करके एक माला से ही शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के भगवत गीता भागवत पढ़नी चाहिए। देखिए मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, नहीं तो जो हम कार्य कर रहे हैं ना आहार निद्रा भय मैथुन, वो जानवर भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नरनाम, धर्म ही एक अधिक विशेषो धर्म नहीं ना पशु विशेष। हम भी खा रहे हैं जानवर भी खा रहे हैं, हम भी सोते हैं जानवर भी सोते हैं, हम भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं जानवरों से, लेकिन अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी से, भागम भाग की जिंदगी से थोड़ा समय निकालिए और आधे घंटे पौन घंटे 10 मिनट जितना निकाल सकते हैं उतना बैठ के भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए। हरे कृष्णा, और शिव जी ये सिखाए हैं। देखिए अभी श्रावण का महीना चल रहा है और शिव जी क्या है, गुरु भी हैं। और शिव जी ही एक कथा के माध्यम से, अपने एक भक्त के माध्यम से हम सबको शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो श्रावण का महीना चल रहा है, हमें महादेव से उनकी कृपा मांगनी चाहिए कि जैसे उन्होंने जीवन ठाकुर पे कृपा की और उनको इस ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य वस्तु दिया भगवान के नाम का जप दिया, उसी तरह से हम सब पे भी महादेव कृपा करें। हम सबको भी महादेव से कृपा मांगनी चाहिए कि हमारा मन भी भगवान के चरणों में लगे, भगवान के नाम का जप करने में लगे। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।